नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, असम में 2026 में विधानसभा चुनाव होगा, तो असम का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? कांग्रेस पार्टी का तरफ से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो फिक्स है, हिमंत बिश्व शर्मा ही चीफ मिनिस्टर फेस होगा। और मोदी जी का जो एजेंडा है, जो डेवलपमेंट आज तक हो चुका है असम में, जो हो रहा है, जो इम्प्लीमेंट आगे होगा, और सारा योजना उसी को लेके भारतीय जनता पार्टी जनता का बीच में लाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन 2026 में कांग्रेस पार्टी का तरफ से कौन सा वो कैंडिडेट होगा जो हिमंत बिश्व शर्मा का सामने कांग्रेस को लीड करेगा, साथ में फेस ऑफ चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी का तरफ से होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है आज का दिन में, क्योंकि 2021 में जो लास्ट विधानसभा चुनाव था, उसमें जो कांग्रेस पार्टी को लीड किया था वो बंदे ने कांग्रेस छोड़ दिया। भले देर हुआ, लेकिन उसको समझ में आया कि यहां तो मेरा कुछ होने वाला है नहीं, मैं छोड़ देता हूं, वो चला गया टीएमसी में। अब सवाल ये है, वो कौन सा व्यक्ति होगा जो हिमंत बिश्व शर्मा का सामने खड़ा हो पाएगा? उसी को लेकर आज का ये वीडियो है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, हाल ही में जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, असम में जो 14 नंबर सीट है उसमें से 11 सीट एनडीए ने जीता और 3 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीता। और 11 सीट में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जीता, 1 सीट यूपीपीएल ने जीता और 1 सीट एजीपी ने जीता। कांग्रेस पार्टी ने जो 3 सीट जीता, इसमें से 2 सीट पहले से फिक्स था, कांग्रेस पार्टी ही जीतेगा। काफी बार जो चीफ मिनिस्टर है असम का, हिमंत बिश्व शर्मा ने खुद कहा कि हम वहां पर इतना प्रयास नहीं करते या नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ का रिजल्ट क्या होने वाला है। इसीलिए हमेशा उनका जो लोकसभा सीट का रिजल्ट के बारे में पूछा जाता था, उनका वही कहना था कि हम 12 सीट जीतेंगे, 2 सीट हम नहीं जीतेंगे। ये 2 सीट कौन सा है? एक है धुबरी और एक है नौगांव। और इसमें एक्चुअली क्या है ना, जो मेजोरिटी वोटर है ना, ये खास करके कांग्रेस का जो प्यारे वर्ग है ना, जात विशेष, धर्म विशेष, उन्हीं लोगों का है। तो इसीलिए बीजेपी ने पहले ही सोचा कि ये तो हम कुछ होने वाला है नहीं, वहां इतना प्रयास नहीं करेंगे। अब रही बात जो 14 में से 12 सीट जीतने वाला था, उसमें से एक सीट घट गया, वो कौन सा सीट है? वो है जोरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जोरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी से गौरव गोगोई को जीत हासिल हुआ। उससे पहले गौरव गोगोई 2014 और 2019 में कोलियापुर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी था वहां से लड़ रहा था, दोनों पर जीत हासिल हुआ था। लेकिन डिलिमिटेशन के बाद गौरव गोगोई को जोरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी जाना पड़ा। अब सवाल ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले मान लिया था कि असम में लोकसभा का 2 ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ, तो क्या गौरव गोगोई उस वक्त ये नहीं सोच सकता था कि मुझे वहां जाके मेरा जो सीट है इसको सिक्योर करना है? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा मैं जोरहाट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से लड़ूंगा और जीत के दिखाऊंगा, और उन्होंने जीत के दिखाया। यही कारण है, हो सकता है 2026 में जो विधानसभा चुनाव है ना, उसमें गौरव गोगोई और हिमंत बिश्व शर्मा का बीच में आज का जो ये कोल्ड वॉर चल रहा है ना, ये जाके विधानसभा चुनाव में एक पॉलिटिकल बैटल हो सकता है। और जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में विधानसभा में 10 सीट है, तो ये भी मायने रखता है, क्योंकि हिमंत बिश्व शर्मा ने भी बहुत प्रयास किया था कि जोरहाट में कम से कम हम जीत हासिल करें, हालांकि वो नहीं हो पाया। अब कांग्रेस को अगर गौरव गोगोई को आगे बढ़ाना है, यहां से पूरा जो पिक्चर है ये आपको हिस्ट्री से समझना जरूरी होगा, क्योंकि गौरव गोगोई जो है वो पूर्व चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई साहब का बेटा है। तरुण गोगोई साहब को हर कोई जानते हैं, असम का इतिहास का वो पहला चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने असम को 3 बार शासन किया था लगातार, आज तक किसी ने नहीं कर पाया। और तरुण गोगोई असम का वो चीफ मिनिस्टर था जिन्होंने आज असम का जो डेवलपमेंट जिस गति से आगे बढ़ रहा है, इसका शुरुआत तरुण गोगोई साहब ने किया था। ये कहते हुए मुझे कोई दुविधा नहीं होता है, भले मेरा कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी का साथ मैच हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एज ए असमीज मुझे ये कहते हुए खुद को गर्व महसूस होता है कि तरुण गोगोई साहब जिन्होंने ये जो असम 2001 से पहले जो एक रीजनल पार्टी था जिसका नाम था असम गण परिषद, चीफ मिनिस्टर था प्रफुल्ल कुमार महंत, जिन्होंने इस असम को ऑलमोस्ट
बर्बाद कर दिया था। न जाने प्रफुल्ल महंत का टाइम पर असम में लोगों को कितना दिक्कत झेलना पड़ता था। ये असम का एक डार्क हिस्ट्री था प्रफुल्ल महंत का टाइम पर। उसके बाद जनता ने डिसाइड किया कि अगला चुनाव में इसको उठा के फेंकेंगे, हम नया सरकार बनाएंगे। उसके बाद तरुण गोगोई साहब को 2001 में जनता ने मतदान दिया और बहुमत दिया। उसके बाद जो असम बर्बाद होते होते बच गया था उसको आगे बढ़ाया तरुण गोगोई साहब। हालांकि तरुण गोगोई साहब आज हमारा बीच नहीं है, लेकिन गोगोई साहब को आज भी असम का जनता भूलता नहीं है। क्या गौरव गोगोई अपने पिताजी का जो लीगेसी है, जो असम का जनता ने तरुण गोगोई साहब को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बहुमत दिया, क्या वो गौरव गोगोई आगे कंटिन्यू कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि तरुण गोगोई साहब को असम का जनता ने जिस समय बहुमत दे रहा था असम में, उस समय दो तीन ऐसा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी असम में इतना स्ट्रांग नहीं था। 2014 से पहले तो बिल्कुल ही नहीं था। मोदी जी आने के बाद असम में बीजेपी का जो इंक्रीज है ये बढ़ा। 2016 में पहला बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना, 2021 में दूसरा बार बना। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि तरुण गोगोई साहब को असम में पॉलिटिक्स करने का टाइम पर या डेवलपमेंट का जो मॉडल था, ये पूरा जो कैलकुलेशन चल रहा था कांग्रेस पार्टी का, उसमें एक मेन सेंटर पॉइंट था, वो चंद में से एक हिमंत बिश्व शर्मा भी था। क्योंकि हिमंत बिश्व शर्मा भी वो व्यक्ति था जिस समय असम में तरुण गोगोई को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए या कांग्रेस पार्टी को आगे बरकरार रखने के लिए कांग्रेस के लिए काम कर रहा था। लेकिन आज वो हिमंत बिश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी में है, आइडियोलॉजी अलग है। तो क्या यही तो सवाल है, क्या हिमंत बिश्व शर्मा का सामने गौरव गोगोई 2026 में वो कर पाएगा? ये बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उनका पिताजी का जो पॉलिटिकल करियर था वो जमीन से शुरू होके असम का चीफ मिनिस्टर पद तक वो मेहनत करके लिया। हिमंत बिश्व शर्मा को भी अगर आप कंपेयर कीजिएगा ऐसा ही है। उन्होंने भी अपनी पढ़ाई जीवन से, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया था, उसके बाद जनता का बीच में जाके जनता को उन्होंने आकर्षित किया और एक बड़ा लीडर बना। तो क्या गौरव गोगोई या गौरव गोगोई में वो पोटेंशियलिटी है कि ताकि अपने पिताजी का जो लीगेसी है उसको आगे कंटिन्यू कर पाए? ये कहना गलत नहीं है कि गौरव गोगोई तरुण गोगोई का बेटा है, इसीलिए गौरव गोगोई को पॉलिटिक्स में एंट्री मिला। 2014 में डायरेक्ट लोकसभा कॉन्टेस्ट के लिए उतारा गया, क्योंकि ये वो सा समय था जिस समय में जिस हिमंत बिश्व शर्मा और तरुण गोगोई एक साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता था, जो तरुण गोगोई एज ए चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा का प्रशंसा करता था। 2012 के बाद ना जाने दोनों का बीच में ऐसा क्या हो गया था, दोनों का बनना बंद हो गया था, काफी सारा बातों में मतभेद होने लगा, जिसका परिणाम उसके बाद हिमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया 2015 में। अब यहां लोगों का एक सवाल होता है कि वो करप्ट है, भारतीय जनता पार्टी 2014 में जीत गया, हो सकता है उसका पर कार्रवाई हो जाए, इसीलिए हिमंत बिश्व शर्मा ने पार्टी बदल दिया। अब ये तो मैं एग्जैक्टली नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं जो मैं लास्ट वीडियो में भी कहा कि हिमंत बिश्व शर्मा जितना करप्शन एलिगेशन उसका ऊपर है, ये सारा का सारा कांग्रेस का टाइम पर है। तो ये सवाल आज का दिन में कांग्रेस को खुद को ही करना चाहिए कि भाई हमारा साथ जो भी जुड़ते हैं या हमारा पार्टी में जो भी रहते हैं वो करप्शन क्यों होते हैं? सिंपल आंसर है, इस पार्टी का पहला प्राइम मिनिस्टर इस देश में बना वो खुद एक कॉन्स्पिरेसी है। उसके बाद ना जाने टाइटल से लेके करप्शन से लेके क्या क्या इस परिवार ने नहीं किया, तो उस पार्टी में करप्शन एक समझना से बात है। तो उसके लिए कोई दूसरों को सवाल करना कोई सेंस ही नहीं होता है उस बात का। लेकिन मैं जो बोला कि गौरव गोगोई कहां तक सक्सेस हो सकता है, क्योंकि आज का दिन में मैं खुद असम से बिलोंग करता हूं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है गौरव गोगोई इतना बड़ा एक फेस है या जनता का बीच में गौरव गोगोई का वो पॉपुलैरिटी है जो उनका पिताजी का था, या गौरव गोगोई को लोग इस तरह से मानते हैं कि नहीं भाई ये आदमी है जो हिमंत बिश्व शर्मा का सामने टक्कर दे सकता है। गौरव गोगोई का जो एक्टिविटीज है वहां ऐसा दिखाई नहीं देता है कि वो चाहते हैं कि मैं असम का चीफ मिनिस्टर बनूं, या मुझे ऐसा करना है, जनता का बीच में जाना है,
मुझे हिमंत बिश्व शर्मा का अगेंस्ट में ऐसा एक एजेंडा फिट करना है ताकि लोग मुझे चाहे, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। सिवाय वो भी एलिगेशन, हिमंत बिश्व शर्मा ने इतना करप्शन किया, उनका वाइफ ने इतना किया, गौरव गोगोई उसमें व्यस्त है। क्योंकि गौरव गोगोई ये भली भांति जानते हैं मेरा कुछ हो या नहीं हो, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये जो है ना ये सुरक्षित रहना चाहिए, जिसका परिणाम मुझे असम से ज्यादा फोकस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर करना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मक्खन बराबर लगाऊं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो ये पद है मेरा सुरक्षित रहेगा। मुझे गौरव गोगोई का आज का दिन में वही दिखाई देता है। ऐसे भी कांग्रेस पार्टी का जो होता है वो पहले जो मैनिफेस्टो देता है ना आपको, ऐसे देता ही है कि हम ये करेंगे, बाद में करे या नहीं करे, आज का दिन में आप कर्नाटका में किसी को अगर आपका जानकारी में है पूछ लेना, हिमाचल में आप पूछो, तेलंगाना में पूछो, इलेक्शन से पहले क्या कहा था आज वो क्या कर रहा है। असम में 2001 से लेके 2016 तक हमने ऐसा ऐसा काम किया। देखो काम का शुरुआत तो जरूर किया था, मैंने कहा ना तरुण गोगोई साहब ने डेवलपमेंट का शुरुआत किया था, काफी सारा डेवलपमेंट का काम किया भी था, वो कहना गलत होगा नहीं किया, लेकिन क्या करे, हो सकता है तरुण गोगोई साहब ये चाहता था कि मैं और तेजी से आसाम को डेवलपमेंट दिलाऊं, लेकिन वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है ना, वो तो वो सोच ही नहीं सकता है डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, ये कांग्रेस पार्टी सोच ही नहीं सकता है सिवाय तुष्टिकरण और वोट बैंक राजनीति। तो इसीलिए आज जितना भी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, काफी सारा लोगों को आज का डेवलपमेंट भी दिखाई नहीं देता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो डेवलपमेंट कर रहा है, जिस तेजी से डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहा है, जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, बहुत लोगों को तो वो दिखाई भी नहीं देता है। अब दिखाई कहां से देगा, इसमें भी एक पॉइंट है ना कि अगर आप सोचते हो, मानो कि आज सोशल मीडिया का दिन है, आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देख लिया, यूरोप का किसी देश को देख लिया, आपने देखा यार वो देश तो इतना डेवलप्ड है, हम क्यों नहीं है। ये सवाल आपको उस पार्टी को करना चाहिए जिन्होंने इस देश को या इस स्टेट को सबसे ज्यादा का टाइम शासन किया है। तो आज जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है ये वो ही हो रहा है जो लास्ट 60 इयर्स में होना चाहिए था, जो आज हो रहा है। तो इसीलिए शायद आपका मन में ये फील आना जाहिर सी बात है, भाई दूसरा देश तो इतना आगे बढ़ गया, हम आज ये कर रहा है, लेकिन हमें ये आज से 20 या 25 इयर्स पहले करना चाहिए था। मैंने कहा ना शायद गोगोई साहब ने सोचा था और करने का, लेकिन क्या करे, कांग्रेस पार्टी करने नहीं देता हो। आज गुवाहाटी में है, अगर मैं कहूँ इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, या कल का बात मैं आपको कहता हूँ, मेरा घर का सामने जो हर घर नल वाला जो जल वाला जो प्रोजेक्ट है ना उसका पाइप का खुदाई हो गया, और क्या चाहिए। बाकी कोई दिखे ना दिखे छोड़ो ना, वो तो दिखाई दे रहा है ना मुझे, तो वही तो डेवलपमेंट है। 2016 का एक रिपोर्ट के अनुसार असम में जो 2011 में जो सेंसस हुआ था, इसका डेटा के अनुसार जो असम का जो रॉयल हाउस होल्डर है उसमें से 53.74 लाख जो हाउस होल्डर है, इसमें से 38.48 लाख हाउस होल्डर का घर में बिजली नहीं पहुंचा था। ये 38.4 लाख जो हाउस होल्डर है, मैं रॉयल का बात बोल रहा हूं, ये सारे जो हाउस होल्डर है इन लोगों का प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइटिंग केरोसिन था। जो 2001 से 2016 जो गोगोई साहब का सरकार था कांग्रेस पार्टी का, तो इनका जो 16 का रिकॉर्ड अनुसार था, ये तो 2011 सेंसस के अनुसार ये था, लेकिन 16 में जो इसका अपग्रेडेशन हुआ तब जाके मालूम पड़ा कि 38.48 लाख हाउस होल्डर में से 2016 में 30.33 लाख हाउस होल्डर तक पहुंचा नहीं है 2016 तक। और ये कंपेरेटिवली अगर नॉर्थ ईस्ट में आप देखिएगा 2001 से 2016 में जो बिजली हर घर पहुंचने का जो योजना होता है, ये असम में सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ था, जहां नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, वहां असम से ज्यादा तेज गति से जो इलेक्ट्रिफिकेशन है ये पहुंच रहा था, यानी बिजली पहुंच रहा था गांव गांव तक, और असम में नहीं पहुंच रहा था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसको आगे बढ़ाया, आज तो शायद ऐसा गांव जहां तक मैं देखता हूँ शायद ही नहीं है असम में, या हो सकता है मुश्किल से दो तीन, मैं नहीं जानता हूँ इसका। फिर जो हेल्थ सेक्टर है, आज का दिन में असम में 30 मेडिकल कॉलेज है जो काम कर रहा है, जिसमें से 12 मेडिकल कॉलेज है और एक एम्स है। और इसमें मजेदार बात क्या है, ये जो 12 मेडिकल कॉलेज है ना, मैं अगर एम्स को यहां से हटा दूं, 12 मेडिकल कॉलेज में
एक मेडिकल कॉलेज हिमंत विश्व शर्मा जिस समय कांग्रेस पार्टी में था, तरुण गोगोई साहब के साथ काम कर रहा था, उसी समय उन्होंने बनवाया था। ये अलग बात है, काफी सारा ऐसा मेडिकल कॉलेज है अपनी टाइम पर कंप्लीट ही नहीं कर पाया कांग्रेस, बाद में हिमंत विश्व शर्मा बीजेपी में आने के बाद कंप्लीट किया। और आज का दिन में हिमंत विश्व शर्मा ने खुद अनाउंस किया कि 2026 तक असम में और ज्यादा जो मेडिकल कॉलेज है इसका जो क्वांटिटी है और बढ़ाया जाएगा। आप सोचो एक बार, 2026 यानी आज है 2024, और 2024 से 2026 तक एज पर हिमंत विश्व शर्मा मेडिकल कॉलेज और बनाया जाएगा। जहां आजादी का बाद जो 12 मेडिकल कॉलेज है, जिसमें से भी 8 मेडिकल कॉलेज हिमंत विश्व शर्मा ने बनवाया है, उससे पहले आप सोचो कि 4 मेडिकल कॉलेज बनाया था यही 60 ईयर शासन करने वाला कांग्रेस पार्टी ने। देखो ये जो सारा, ये जो बुनियादी सवाल है, ये जनता को दिखाई देता है, जो कैलकुलेशन है मीडिया में आते हैं। अच्छा, मीडिया में भी एक इकोसिस्टम है जो सही गलत को नहीं दिखा के गलत को ही दिखाते हैं, जो इकोसिस्टम कांग्रेस के लिए काम करता है। असम में भी ऐसा है, तो बेसिकली वही था कि गौरव गोगोई तो क्या ऐसा कुछ कर पाएगा जो आगे हिमंत विश्व शर्मा का सामने कंपटीशन कर पाए। क्योंकि देखो मैं हिमंत विश्व शर्मा को लेके ये मैं श्योर हूं, अगर हिमंत विश्व शर्मा कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ता, उसका जो मांगे था वो कांग्रेस ने दिया जाता, शायद कांग्रेस आज भी असम में बरकरार रहता, भारतीय जनता पार्टी आ ही नहीं पाता। ये मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि उस आदमी में वो पोटेंशियलिटी है, वो जानते हैं कहाँ किसको क्या करना चाहिए, कौन सा पॉलिटिक्स कहाँ जाके खेलना चाहिए, और उसका ओरिजिन ही कांग्रेस है, वो तो कांग्रेस को भली भांति जानते हैं। और मजे की बात तो ये है, ये जितने एलिगेशंस कांग्रेस पार्टी आज का दिन में लगाते हैं ना, ये सारा एलिगेशन हिमंत विश्व शर्मा उस समय कांग्रेस में ही था, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ऐसा कुछ नहीं है उनका ऊपर। वो जो भी कर रहा है खुल्लम खुल्ला कर रहा है, या उनका वाइफ रिनिकी भुइयां जो कर रहा है खुल्लम खुल्ला कर रहा है, ट्रांसपेरेंट है, हर कोई देख सकता है, वहां बिजनेस चालू किया, वहां बिजनेस कर रहा है, वहां कर रहा है। लेकिन कांग्रेस का टाइम पर ऐसा नहीं था, बाद में कांग्रेस को ही खुलासा करना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि गौरव गोगोई का सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आज कांग्रेस पार्टी का जो पॉलिटिक्स है वो वही है, जनता का बीच में जो झूठ है वो फैला दो। 8500 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी फैलाया था, असम में भी फैलाया था, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। मुझे ये मालूम है विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी आ जाएगा, राहुल गांधी आके वहां लोगों को वही दिखाएगा कि हम पावर में आएंगे तो वो देंगे, हम आपको ये देंगे, हम वो देंगे, जैसे 2001 से 2016 तक किया। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी असम में इतना स्ट्रांग नहीं था, और हिमंत बिश्व शर्मा खुद कांग्रेस में था, यही सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा चैलेंज होने वाला है कांग्रेस पार्टी को अगला चुनाव में। असम आज जिस दिशा से आगे बढ़ रहा है, इसमें सबसे बड़ा सवाल एक ही है, जो भारत का दूसरा स्टेट में है वो है असम का डेमोग्राफी को लेकर। जो आज का मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर है, हर रोज कम से कम 2 या 3 बार ये सवाल करते हैं, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आज हर वो असमीज या हर असम का व्यक्ति को ये सवाल खुद को भी करना चाहिए, क्योंकि हम पॉलिटिकल स्वार्थ या पॉलिटिकल लालच में तो ये पाने का वो नहीं पाने का, इसके लिए हम किसी एक पार्टी को जरूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन कौन सा वो पार्टी होगा जो आपका कल का जो फ्यूचर है उसके लिए आसाम को सुरक्षित करके रख सकता है। ये सबसे बड़ा सवाल आज का दिन में आसाम में है, एज यूजल देश भर में भी वो हुई है। तो गौरव गोगोई अगर सोच रहा है कि मैं सही में आसाम के लिए कुछ करूं, पहले तो आसाम का जनता का बीच में जाना पड़ेगा, गांव गांव तक जाके भैया तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं, हाँ तरुण गोगोई का मैं बेटा हूं, मैं ऐसा कर सकता, ना ही कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का यह मक्खन लगा के अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पद सुरक्षित रखने के लिए ये करता रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और बाकी रहा असम का जनता का बात, जनता समझदार है, क्योंकि आज डेमोग्राफी हमारा सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ऐसा एक सरकार चाहिए जो डेवलपमेंट और सुरक्षा बराबर दे पाए। उसी सोच के साथ आज का यह वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।